Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. मंगलवार को यूपी की सियासत सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूटने की चर्चाओं से गूंजती रही। बुधवार दोपहर इन चर्चाओं पर विराम लगता नजर आ रहा है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि सपा और कांग्रेस में सीटों के बंटवारे की डील फाइनल हो गई है। यह भी कहा जा रहा है कि इस डील में सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस को अपनी शर्तें मनवाने में सफल रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने शुरू से ही यूपी में सपा को बड़े भाई की भूमिका में रखने के संकेत दे दिए थे। यूपी में लगभग हाशिए पर आ चुकी कांग्रेस सियासी नजाकत से वाकिफ तो थी, लेकिन वहां पर भी अंदर खाने में खुद को राष्ट्रीय पार्टी दिखाने की कोशिश चल रही थी। बयानबाजी ने मामले को तूल पकड़ाने का काम किया। उधर सपा भी अपनी सीमाओं को समझ रही है। अखिलेश यादव जानते हैं कि 2024 का चुनाव उनके लिए कितना अहम है, लिहाजा वह कांग्रेस से सीटों पर समझौता तो चाहते थे, लेकिन वह कांग्रेस के सामने झुके हुए दिखे यह कतई नहीं चाहते थे। यही वजह रही कि एकदम शुरू में कांग्रेस को 7 सीटें दे रही सपा धीरे धीरे 17 पे पहुंच गई। कांग्रेस की ओर से 20 सीटों की डिमांड की जा रही थी, जहां पर गाड़ी अटकी हुई थी। मंगलवार की चर्चाओं ने दोनों दलों को आत्ममंथन का मौका दे दिया, जिसके बाद बुधवार को समझौते की गाड़ी पटरी पर दौड़ती नजर आई। चर्चा है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को अमेठी, रायबरेली, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, हाथरस, बाराबंकी और बलिया से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। कहा जा रहा है इन्हीं सीटों पर दोनों दलों में बात बन गई है। अंतर केवल इतना है कि सीतापुर लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में आने की बात कही जा रही है, जिसके बदले सपा ने हाथरस सीट वापस ले ली है। ऐसी जानकारी मिल रही कि देर शाम तक इस समझौते को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान हो सकता है। दूसरी तरफ सीतापुर सीट कांग्रेस के खाते में जाने की बात सामने आते ही इस सीट पर कांग्रेस किस महारथी को मैदान में उतार सकती है, इसे लेकर अनुमानों का दौर शुरू हो गया है। ऐसी एक चर्चा पूर्व विधायक राकेश राठौर को लेकर शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि पूर्व विधायक भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर सकते हैं। दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक प्रत्याशी चयन में कांग्रेस किसी मजबूत पासी या मुस्लिम उम्मीदवार की भी तलाश कर सकती है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।